सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। आप सोच रही किसका ब्लॉग है, तो आपको बता देती हूँ। मैं जो हमारा घर है ना गांव का, वो जा रहा है पेंट होने, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने हाउस का न्यू लुक देखने के लिए। और अभी मैं आपको कलर नहीं बता रही हूँ कौन सा कलर होने वाला है, आप लास्ट में फाइनल लुक देखना। तो ब्यूटीफुल सब लुक आएगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर भी है, लाइट लाइट कलर है। और अभी पुट्टी होगी घर की, उसके बाद पेंट होगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर पहले, उसके बाद दिखाती हूँ जब पुट्टी करेंगे तब, और फिर देखते हैं, अभी देखते हैं लास्ट में कितना सुंदर हमारा घर देगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे पुट्टी मिक्स कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वाइट चॉकलेट मिक्स कर रहे हैं। और अभी इसको मिक्स करने के बाद अभी दो लोग आए हैं। देखो, हमने बोला था अगले दिन तीन लोग आएंगे करने के लिए, फिर जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम हो जाएगा। और अभी देख ही सकते हो हमारा घर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सारा जो पुट्टी पहले जो लगाई थी ना, पूरी पुट्टी का रंग ही उड़ गया है, पूरा एकदम देखो काला काला हो गया है, और कितनी धूल भी वहाँ पे आ गई। तो पहले सब उसको हम सफाई करेंगे, उस बाद ये लोग पुट्टी लगाएंगे। और देखो, सब जब हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब ये घर में पुट्टी होती ना, तो हम छोटे थे तो हमने पेंसिल भी उससे चला दी थी, पेंट भी चला दी थी, तो वो और गंदा लग रहा है। और ये देखिए बिफोर और आफ्टर, मैं आपको फुल लुक जब अपना घर का दिखाऊंगी ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने घर का न्यू लुक देखने के लिए। आप एक्साइटेड हो कि नहीं कमेंट बताना। और देखिए यहाँ पे गड्ढा ही हो गया पिलर के अंदर, ये भी पूरा सही करेंगे। सो सो गई थी, मतलब मैं 2 बजे से सोना स्टार्ट किया और 4 बजे उठी, और 2 घंटे। और उसके बाद अभी बज रहे हैं 5:30, और अभी तक जो लेबर्स थे ना, वो भी चले गए हैं काम करने वाले। सो अभी तो देखो बहुत ज़्यादा ही पुट्टी हो चुकी है, अभी थोड़ा सा और बचा है, देखो। सो फ्रेंड्स, ये आधा पिल्लर, वो आधा पिल्लर, और वो पूरा पिल्लर, ये पूरा पिल्लर, ये सब हो गया है, और इतना पूरा एरिया हो चुका। आप तो पता ही लगा सकते होगे डिफरेंस, देखिए बिफोर एंड आफ्टर का। और ये देखिए, अभी ये पूरी साइड बची हुई है दोनों वॉल, और ये सब हो गया है, और ये भी अभी तक नहीं हुआ है, ये भी वॉल बची हुई है, तो अभी मीन्स 50% बचा हुआ है, 50% हो गया है। और अभी देखो कल आएंगे, ये देखो यहाँ पे वो पुट्टी रखी हुई है, और ये पेंट ब्रश। मुझको तो पेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मुझको पेंटिंग का काम दिया जाए ना, मैं अच्छे से पेंटिंग कर लूँगी। क्योंकि स्कूल में पेंटिंग का वो कंपटीशन होता है, मतलब इतने बड़े टूल से नहीं, छोटे छोटे टूल से करते हैं ना, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती हूँ सच्ची में फ्रेंड्स। और फिर मैं ऐसे पेंट करूँगी, और अभी मैं आपको नई कलर बताऊँगी कौन सा कलर करने वाले अपने घर पे। सो मैं आपको लास्ट में इसका फाइनल लुक बताऊंगी, नहीं तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारा फुल घर, अभी तक थोड़ा सा हुआ है, और कितना ब्यूटीफुल दिखने लगा है ना वो एरिया, सिर्फ इतना एरिया ऐसे लग रहा है अच्छे से कलर, और वहाँ पे कलर भी होगा बहुत सुंदर सा। और ऐसा कलर हमने चुना है ना, इतना ब्यूटीफुल कलर कि आपको क्या बताओ। और अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, अभी चलो चाय पानी पीते हैं, आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इवनिंग का day 2 है, और अभी पूरा हो ही चुका है, सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट बचा है घर का, और सिर्फ यही पार्ट बचा है, और ऊपर का वो साइड बचा है। उसके बाद अभी जब इसके ऊपर 2nd coat मारा जाएगा, उसके बाद इसको स्क्रब करेंगे, मतलब पूरा मतलब एक बराबर हो जाएगा, उसके बाद इसमें पेंट करेंगे। और मैं आपको नहीं बताऊँगी कौन सा पेंट रहेगा, सबका हिंट बता देती हूँ कि थोड़ा लाइट कलर रहेगा।
और वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा ही अच्छा लगता है वो कलर। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, एकदम वाइट वाइट हो गया है अभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी पुट्टी कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी यहाँ पे पेंट मिक्स कर रहे हैं और अभी पेंटिंग का टाइम आ गया है। और आप कलर देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा पिस्ता कलर है। सो जब तक यहाँ पे पेंट हो रहा था तब तक आइसक्रीम अंकल आ गए थे, आइसक्रीम वाले अंकल, और हमको तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती इसलिए हमने आइसक्रीम ले ली थी। और प्लीज़ मुझको इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी सो के उठी थी। और अभी चलो हम लोग इसको आइसक्रीम खाते हैं। देखिए यहाँ पे कलरिंग पेंटिंग स्टार्ट है और हम लोग आइसक्रीम अच्छा लगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, अभी देखो पूरा पेंटिंग हो गया है। हम लोग सो गए थे क्योंकि इतनी गर्मी ना, तो 32 डिग्री था, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। सो इसलिए हम लोग सो गए थे फैन ऑन करके। सो अभी हम लोग इवनिंग उठ चुके हैं, अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 ऐसे बज रहे हैं। और आप देखिए पूरा पेंट हो चुका है घर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी देखो पेंट हो चुका, जो आपको व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे येलो पेंट होगा। सो भी और ब्यूटीफुल दिखेगा, कल तक पूरा हो जाएगा पेंट तो और ब्यूटीफुल दिखेगा। और ऊपर का वो रेलिंग ब्लैक कलर का होगा, जो फ्लावर दिख रहे हैं ना ये मिडल में, ये सारे लाइन से ये सब गोल्डन कलर के होंगे तो और ब्यूटीफुल लगने लगेगा अपना घर। अब इसे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और ये नीचे का तो आप फ्लोर इग्नोर ही करना क्योंकि यहाँ पे पुट्टी उट्टी सब गिरी है ना, अभी उसको हम अच्छे से वॉश करेंगे जब पूरा पेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी कल हमने वॉश किया था जैसे आपने देखा था कल रात को, पर देखो यहाँ पे भी पेंट सब गिरा है ना, तो इसको भी पूरा वॉश करना पड़ेगा, इसलिए अभी तक हमने अब पूरे अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया है। सो अभी पूरा कलर हो जाए तो वॉश करेंगे हम इसको। मक्खी पूरे वीडियो बेकार करी। और देखो इस लगता है कलर में कुछ ज़्यादा ही मक्खी को पसंद आ गया, किसी को करेंगे। अरे देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है, अभी मिडल में सब वाइट जो आपको दिख रहा है ना, सारा येलो कलर होगा और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो फ्रेंड्स, सारे फ्लावर्स अंदर और पांड सारे अंदर थे, पर पेंटिंग होने लगा सब यहाँ से लाइन पे लग चुके हैं और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अभी चलो पानी, अभी मैंने यहाँ पे कचरा सब गिरा था ना, उसको पहले मैंने झाड़ू से पूरा साफ किया, उसके बाद अभी चलो चलते हैं हम गमले में पानी डालते हैं और थोड़ा अपना जो बाहर है ना वो अपना उसको भी थोड़ा पानी डालते हैं, ये पेड़ को। और यहाँ पे तो बोलते जैसे वो बाहर दीवारने को, वैसे हम लोग जाके पानी मारेंगे ज़मीन में पूरी, जिससे ना गर्मी थोड़ी कम हो।